अपने नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन में आज हम लोग देखने वाले हैं नया क्वेश्चन जो है यूजिंग द नंबर्स मेक सिक्स डिजिट न्यू नंबर्स। तो देखो हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, उनको यूज़ करके हमें सिक्स डिजिट्स के नए नंबर्स बनाने हैं। अब वो नंबर्स कितने बनाने हैं डिपेंड्स, और उसके बाद क्या करना है पुट कॉमा फॉर ईच ईजी रीडिंग, मतलब कि नंबर्स बनाने के बाद हमें कॉमास पुट करने। जैसे हमने पिछले वीडियोस में इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास पुट करना सीखा था ताकि हमारे लिए जो नंबर्स की रीडिंग्स हो वो इजी हो जाए। उसके बाद क्या करना है अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब नंबर्स को इन डिजिट्स को यूज़ करके पहले तो हम लोग सिक्स डिजिट्स के कुछ नए नंबर्स बनाएंगे, उसके बाद कॉमास पुट करेंगे ताकि रीडिंग करने में इजी हो, और उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या था, स्मॉलर से बिगर की तरफ, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या था, बिगर से स्मॉलर की तरफ। तो पहले हम लोग डिजिट्स को देखते हैं और उन डिजिट्स को यूज़ करके नंबर्स बनाते हैं। तो ये हमारे कुछ दिए हुए डिजिट्स हैं। डिजिट्स क्या हैं, 0, 4, 5, 7, 6 और 8। ठीक है, अब हमें न्यू नंबर्स बनाने हैं जो सिक्स डिजिट के होंगे। तो प्लेस वैल्यू हम लोग देखते हैं, पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, फिर 10,000 एंड देन लैक्स। तो ये कितना हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सिक्स डिजिट का बनेगा। अब देखो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग सबसे स्मॉलर डिजिट पहले उठाते हैं, तो वो क्या है हमारा 4। तो पहले 4, 5, 6, 7, 8, फिर मैंने लिख दिया लास्ट में 0। आप 0 चाहें तो बीच में भी कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक नंबर तो ये मेरा बना। उसके बाद अगर मैं 5 को पहले कर लूँ तो देखो 5, 6, 7, 8, 0 और 4 को मैं लास्ट में लिख दूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा नंबर बन गया। उसके बाद मान लो मैं 6 को पहले कर दूँ तो 6, 7, 8, 0, 4, 5, तो ये भी एक नंबर बन गया मेरे पास। फिर उसके बाद 7, 8, फिर 0, 4, 5, 6, ये एक और नंबर बन गया। फिर उसके बाद 8, 7, 0, 4, 5, 6, ठीक है, ये भी सही है। तो ऐसे अगर आप बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स बनेंगे, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं कॉमास को। तो देखो ये हमारा पहला, तो हमने इंडियन नंबर सिस्टम में क्या सीखा था कि पहले 3 डिजिट्स के पहले कॉमा करेंगे, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा करेंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर इजी रीडिंग। तो देखो अब इसको पढ़ोगे कैसे, यहाँ देखना, यहाँ पे जो हमारा 4 है वो किस हाउस में है, वो है हमारे लैक के हाउस में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 लैक। फिर 56 किस हाउस में है, तो 1000 के हाउस में है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, नॉर्मली 56, और किस हाउस में है, 1000 के हाउस में, तो कैसे पढ़ेंगे 56,000। तो 4,56,780, तो ये कैसे पढ़ेंगे 4,56,780। तो ये हमने अपने पिछले वीडियोस में हाउसेस के अकॉर्डिंग नंबर प्लेस को पढ़ना बहुत ज़्यादा सीखा था। तो आई होप आपको समझ में वो आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद अपना दूसरे नंबर में हम लोग कॉमा पुट करते हैं। तो देखो हर 3 डिजिट के पहले
और उसके बाद हर दो दो डिजिट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम है, ओके, नॉट इंटरनेशनल। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो फिर इसको भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो देखो हमारा जो 5 है वो किस हाउस में है, तो लैक के हाउस में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 5,67,804। तो 5,67,804। फिर उसके बाद तीसरा देखो, कॉमा कहाँ लगेगा हमारा, 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 6,78,045। 0 नहीं, 100 के प्लेस पे 0 है तो 0 को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब रीड नहीं करेंगे। तो 6,78,045 ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग इस पे कॉमा अप्लाई करें तो यहाँ पे और फिर 80 के पहले, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 7,80,456। 7,80,456। अब अपने लास्ट वाले को देखते हैं, कॉमास पुट करेंगे तो पहले 3 डिजिट के बाद और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 8,70,456। 8,70,456। अब देखो ये तो हमने कर लिया अपना पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, पुट कॉमास फॉर इजी रीडिंग। तो हमने कॉमास पुट कर लिया और इजी रीडिंग भी देख लिया। अब इन नंबर्स को आपको अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हम लोग बनाते समय ही हम लोग ने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान ही दिया है, ठीक है। तो देखो पहले 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो अगर मैं बोलूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले हमारा क्या आएगा, 4,56,780, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं। तो पहले स्मॉलर, उसके बाद हमारा क्या दिया है, 5,67,804। फिर उसके बाद क्या दिया है हमारा, 6,78,045। फिर क्या है, 7,80,456। और उसके बाद क्या है, 8,70,456। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब एक चीज़ देखो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग एक साइन से डिनोट करते हैं, वो है इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे करना रहेगा तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखूँ तो दोनों में बिगर नंबर कौन सा है हमारा, तो 5,67,804। तो हमारा जो एरो का मुंह है ना, वो किस नंबर की तरफ रहता है, जो नंबर बड़ा रहता है मुंह उसके तरफ खुला रहता है एरो का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एरो कहाँ पर आएगा, तो इस तरह से, जो इस नंबर के लिए होगा। फिर तीसरा एरो इस नंबर की तरफ खुला रहेगा और लास्ट ये, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है कि जो नंबर बड़ा रहता है एरो का मुंह उसी की तरफ खुला हुआ रहता है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं हम लोग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स का उल्टा लिख देंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग जाएंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बिगर से स्मॉलर की तरफ। तो हमारा बिगर नंबर पहला क्या था, 8,70,456, ठीक है, ये बड़ा है। तो मुंह किसके तरफ रहेगा एरो का, इसी के तरफ। फिर इसके बाद जो आएगा वो छोटा नंबर रहेगा, तो क्या था, 7,80,456। फिर उसके बाद एरो का मुंह किधर रहेगा, इसके तरफ, क्योंकि बड़ा नंबर है। फिर हमारा क्या नंबर था,
6,78,045। फिर एरो का मुंह किसके तरफ रहेगा, तो इसी के तरफ। फिर 5,67,804। फिर एरो का मुंह, बस याद रखना है कि जो नंबर बड़ा रहता है हमारा एरो का मुंह उसी के तरफ खुला रहता है। और लास्ट नंबर हमारा क्या था, 4,56,780। तो क्या था, 4,56,780। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो हमारा क्या दिया था, पहला 6 डिजिट का नंबर बनाना है और उन नंबर्स को हम लोग इजी रीडिंग के लिए कॉमास पुट करेंगे, उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उन नंबर्स को अरेंज करना है, जो हमने कर लिया। अब दूसरा देखो, यूजिंग नंबर्स 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 मेक एनी 3 8-डिजिट नंबर्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग को बस बोला था 6 डिजिट का नंबर बनाओ, अब वो नंबर कितना बनाओ ऐसा तो इसमें मेंशन किया नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कुछ 4-5 नंबर बना लिए। यहाँ पे हम लोग को बोल दिया है कि इन डिजिट्स को यूज़ करके 8 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, और कितने बनाने हैं, सिर्फ 3 8 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं और इसमें कॉमास पुट करना है। तो हमें बस इतना ही करना है, हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया, हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए थे, कौन से, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इन डिजिट्स को यूज़ करके हमें 8 डिजिट के नए नंबर्स बनाने हैं। तो पहले हम लोगों ने प्लेस वैल्यूज़ देखा, एज जैसे हम लोग अपने पिछले वीडियोस में ही पढ़ते आ रहे हैं प्लेस वैल्यू। तो पहला देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक, करोड़। तो ये हमारे 8 प्लेस वैल्यूज़ बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब देखो हम लोग को 3 नंबर्स बनाने हैं, इन डिजिट्स को यूज़ करके कोई भी 3 नंबर्स। तो स्टार्टिंग में मान लो मैं स्मॉलर डिजिट को ले लेती हूँ, जो क्या है हमारा, 4। तो 4, पेन का कलर चेंज करते हैं, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये तो हम लोग ने यूज़ कर लिया इन डिजिट्स का, अब 2 डिजिट्स और यूज़ करने हैं तो उन्हीं को रिपीट कर लेते हैं। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं 4 एंड 5। अब मान लो मैं लेती हूँ 5 को पहले, तो 5, 6, 7, 8, 9, तो 4, 5, 6। फिर एक और बनाना है, तो मान लो मैं 6 से स्टार्ट करूँ, 6, 7, 8, 9, फिर 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये हमारे 3 डिजिट्स के नंबर, सॉरी 8 डिजिट्स के 3 नंबर्स हमने अलग अलग बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, तो कॉमास पुट करना है। और कॉमास इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे पुट करते हैं, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं, 3 डिजिट के पहले कॉमा पुट करते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट होता है। फिर इसमें भी वही करेंगे, 3 डिजिट के पहले, उसके बाद हर 2 डिजिट के पहले कॉमा पुट करेंगे। फिर लास्ट वाले में भी सेम वही काम होगा। तो ये हमारा हो गया। वैसे तो इसमें रीडिंग करने के लिए बोला है कि इजी रीडिंग किस तरह से करेंगे। तो देखो, कॉमा पुट करने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारा जो 4 है वो किस हाउस में आ रहा है, करोड़ के हाउस में, ठीक है। 4 हमारा करोड़ के हाउस में आ रहा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 करोड़, फिर 56 लाख, फिर 78,945। तो ये हमने रीड किया, 4 करोड़ 56 लाख 78,945। अब उसके बाद दूसरा देखो, 5 करोड़ 67 लाख 89,456। फिर तीसरे वाले को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे,
6,78,94,567। तो ये हमारा रीडिंग तो हमने इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग समझ लिया है कि कैसे करना है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इन खुद से करके एक बार ट्राई करना। अब देखो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी सेम है। फ्रॉम 304 हमारे पास तीन डिजिट्स दिया है, कौन सा 304। मेक फाइव नंबर्स, तो कितने नंबर्स बनाने हैं हमको, पांच नंबर्स बनाने हैं और उनमें डिजिट्स कितने होने चाहिए, तो सिक्स डिजिट्स होने चाहिए। इन नंबर्स को यूज़ करके पांच ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो सिक्स डिजिट्स के रहेंगे और सेम काम, इसमें भी हमको क्या करना है, यूज़ कॉमा। तो अब देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है, 304। तो बनाते हैं हम लोग। तो देखो ये हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं 304, हमें बनाने हैं सिक्स डिजिट के पांच नंबर्स, ठीक है। तो हमें कितने नंबर्स बनाने हैं, हमें बनाने हैं पांच नंबर्स, 3, 4 एंड 5। और ये पांचों नंबर कितने डिजिट्स के होने चाहिए, तो सिक्स डिजिट के, ठीक है। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। तो अगर पहले हम लोग सबसे स्मॉलर डिजिट उठाते हैं, तो अगर आप लोग देखोगे तो सबसे स्मॉलर डिजिट क्या है यहाँ पे, 0। बट हमने पढ़ा है कि 0 से हम लोग किसी भी नंबर की शुरुआत नहीं करते, तो हम लोग उसके बाद क्या लेंगे, 3। तो मान लो ले लिया मैंने 304, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को रिपीट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मान लो मैंने ले लिया फिर से 304, फिर दूसरा नंबर बनाया मैंने 4, 3, 0, 3, 4, 0, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर को इधर उधर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा लिखा है तो आपको भी वही करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं दिया कि आपको नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। तो आप रिपीट करके किसी तरह से भी लिख सकते हो। फिर सपोज मैंने लिख दिया 4, 4, 3, 0, 3, 0, फिर उसके बाद आ गया अगर मैंने लिखा 3, 4, 0, उसके बाद 3, 4, 0, फिर एक और क्या बना सकते हैं हम लोग, 4, 0, 0, 3, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डिजिट हमारा दो टाइम यूज हो जा रहा है। तो अब देखो पहले नंबर को देखते हैं हम लोग, और क्या करना है, अब हमें कॉमा पुट करना है। तो देखो इंडियन नंबर सिस्टम का रूल क्या है कि हर थ्री डिजिट, पहले थ्री डिजिट के पहले कॉमा यूज़ होता है, उसके बाद हर दो डिजिट के बाद। तो थ्री डिजिट के पहले, फिर उसके बाद हर दो डिजिट के बाद, यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे भी, यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी। अब अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें इनको, तो कैसे पढ़ेंगे, देखो हमारा थ्री किस हाउस में है, लैक के हाउस में, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3,04,000, ठीक है। ज़ीरो और फोर किस हाउस में है, तो थाउजेंड के हाउस में। अब देखो 0, 9 अगर हो गया, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9 ही पढ़ेंगे, तो इसीलिए 0 और 4 क्या होता है हमारा, 4 ही होगा। तो 3,04,304 ये हमने पहला पढ़ा। उसके बाद क्या है, 4,30,340, फिर 4,43,030, 3,40,340, और लास्ट क्या है हमारा, 4,34,000। तो देखो कॉमा पुट करने से होता क्या है, हमें समझ में आ जाता है कि हमें पढ़ना किस हिसाब से, क्योंकि आपको हाउसेस पता चल जाते हैं, क्योंकि हाउस में हमने
पढ़ा था कि पहले 3 डिजिट्स को लेते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट्स को लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इन नंबर्स को नोटिस करोगे तो देखो ये 3 हमारा किस हाउस में आ रहा है, तो लैक के हाउस में। तो 3 को कैसे पढ़ोगे, 3 लैक। फिर ये 4 है, 0 4 मीन्स 4, तो ये किसके हाउस में है, 1000 के हाउस में। तो ये चीज़ मैंने कई बार रिवाइज करवा दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। तो 3,04,304, तो कॉमा पुट करने से होता बस इतना है कि पढ़ना इजी हो जाता है, आपको समझ में आता है कि किसको कौन सा प्लेस वैल्यू देना है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लिए ट्राई दिस के। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1, और उसके बाद फिर जो हमने पढ़ा था किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, उनसे रिलेटेड भी कुछ ट्राई दिस क्वेश्चंस है, उनको भी सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटर ऑर्डर, स्मॉलर ऑर्डर, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, फिर इंडियन नंबर सिस्टम, फिर किस तरह से कॉमा पुट करना है, उन्हें किस तरह से रीड करना है उनके प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, आप एक बार दो बार ट्राई करिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। और नहीं आया तो वीडियोज़ हैं, आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही हम लोग करते हैं, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू।